सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। पूरा भारत हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है अपने पहले गोल्ड मेडल के लिए। पहला गोल्ड मेडल बर्मिंघम 2022 में मीराबाई चानू ने भारत को दिलवाया है, मुबारक मीराबाई। भारत पे 200 साल राज करने वाले इंग्लैंड जैसे देश में इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीतकर हमारे एथलीट्स ने देश का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उन 22 जाबाज इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 1, मीराबाई चानू, वेटलिफ्टिंग। इनका पूरा नाम साइकॉम मीराबाई चानू है। ये एक इंडियन वेट लिफ्टर है। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 में नॉनकपॉप काकचिंग मणिपुर में हुआ था। इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई का वेट 49 किलोग्राम है और इनकी हाइट 4 फीट 11 इंचेस है। मीराबाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित कर रखा है। बर्मिंघम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 201 किलोग्राम वेट उठाया और ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट बनी। नंबर 2, जेरेमी लाल रिनुंगा, वेटलिफ्टिंग। ये एक इंडियन वेटलिफ्टर हैं। जेरेमी लाल रिनुंगा का जन्म 26 अक्टूबर 2002 में मिजोरम के एजावल में हुआ था। इन्होंने 15 साल की छोटी सी उम्र में ब्यूनोस एयर्स के समर यूथ ओलंपिक 2018 में 74 किलोग्राम वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता। फिर इन्होंने 2021 में तशकेंत में होने वाले ओलंपिक गेम्स में 67 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और अब 19 साल की उम्र में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 300 किलोग्राम का वजन उठाकर तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता। नंबर 3, अंचिता शियोली, वेटलिफ्टिंग। इनका जन्म 24 नवंबर 2001 को देउलपुर बंगाल में हुआ था। अंचिता ने तस्केत में होने वाले जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। उसके बाद उन्होंने 2019 और 2021 के कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया और अभी के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में अंचिता ने 313 किलोग्राम का वजन उठा के गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। अंचिता ने 73 किलोग्राम वेट की क्राइटेरिया में जीत हासिल करी है। नंबर 4, इंडियन वुमेन टीम, लॉन बॉज। इसको जीतने वाला कोई अकेला नहीं है बल्कि इसमें 4 प्लेयर्स हैं। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। पिंकी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, नैन मोनी साइकिया एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, लवली चौबे एक पुलिस ऑफिसर हैं और रूपा रानी टर्की के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर। इन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा कर बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता है। इनके स्कोर 17 पॉइंट थे जबकि साउथ अफ्रीका के 10। हालांकि स्पोर्ट्स को ज्यादा लोग नहीं जानते थे लेकिन अब से सब लोग इसको जानने लग गए हैं। इसमें हमें एक बड़ी बॉल को दूर रखी हुई छोटी बॉल पे मारना होता है। नंबर 5, इंडियन मेंस टीम, टेबल टेनिस। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद 2022 में बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम ने दोबारा गोल्ड मेडल जीतकर हम सब का नाम रोशन किया है। साथिया गनानेस्करन और हरमीत देसाई ने मिलकर सिंगापुर के इजैक क्विक योंग और पैंग यू एन कोइन को हराया है। नंबर 6, सुधीर, पैरा वेट लिफ्टिंग। सुधीर ने 212 किलोग्राम वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। सुधीर केवल 28 साल के हैं। सुधीर हरियाणा के सोनीपत के हैं। 4 साल की उम्र में सुधीर को हाई फीवर की वजह से पोलियो हो गया था पर इन्होंने इस बीमारी को अपने सपने के आगे बहुत छोटा मान लिया और अब सुधीर करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इन सब एथलीट्स की जिंदगी आसान नहीं होती। इनको पूरी डाइट करनी पड़ती है और रोज घंटों मेहनत करके वो इस मुकाम को पार कर पाते हैं। सलाम है देश के वीरों को। नंबर 7, बजरंग पूनिया, रेसलर। बजरंग पूनिया एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं जो 65 किलोग्राम की कैटेगरी में कम्पीट करते हैं। बजरंग पूनिया अकेले ऐसे इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं। 26 फरवरी 1994 में जन्मे बजरंग पूनिया की हाइट 1.66 मीटर है। इनकी शादी संगीता फोगट से हुई थी जो खुद एक जानी मानी रेसलर हैं और वर्ल्ड चैंपियन गीता फोगट की बहन भी हैं। नंबर 8, साक्षी मलिक, रेसलर।
2016 के समर ओलंपिक्स में साक्षी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और तब वो 58 किलोग्राम के वेट के साथ कम्पीट कर रही थी। उनका जन्म 3 सितंबर 1992 में हुआ था। साक्षी की हाइट 1.6 मीटर है। साक्षी हरियाणा के रोहतक में पैदा हुई थी। साक्षी ने बहुत सारे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल जीते हैं, जिन्हें एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। नंबर 9, दीपक पूनिया रेसलर। इनका पूरा नाम नायब सूबेदार दीपक पूनिया है। इनका जन्म 19 मई 1999 को हुआ था। इनकी हाइट 1.73 मीटर है और इनका वेट 86 किलोग्राम है। दीपक पुनिया एक इंडियन आर्मी ऑफिसर भी हैं। ये हरियाणा के जज्जर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। इन्होंने 2019 में सिल्वर मेडल जीता था और अब 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। दोस्तों, इतनी कम एज में इन सब एथलीट्स ने हमारे देश का नाम कितना रोशन कर दिया है, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 10, रवि कुमार दहिया रेसलिंग। 57 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलकर टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता और 2019 में ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया और साथ में 3 बार एशियन चैंपियन बने। रवि कुमार का जन्म 12 दिसंबर 1997 के सोनीपत की छोटी सी जंगा नहरी में हुआ था। रवि कुमार ने बहुत सारे मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। इनकी हाइट 1.7 मीटर है। नंबर 11, विनेश फोगट रेसलिंग। ये इंडिया की पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों में ही गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और विनेश ही एक ऐसी एथलीट है जिन्हें 2019 में लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 25 अगस्त 1994 में जन्मी विनेश 56 किलोग्राम की हैं और उनकी हाइट 1.59 मीटर है। इनको अर्जुना अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये गीता फोगट की कजन सिस्टर हैं। नंबर 12, नवीन सिहाग रेसलिंग। इनका जन्म 21 नवंबर 2002 में हुआ था। ये सिर्फ 19 साल के हैं। इन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इनके सामने पाकिस्तान के मोहम्मद शारिफ ताहिर थे। मजे की बात तो ये है कि नवीन सिहाग 9-0 पॉइंट से जीते हैं। ताहिर के 0 पॉइंट थे और नवीन के 9 पॉइंट। नवीन 74 किलोग्राम के क्राइटेरिया में कम्पीट कर रहे थे। नवीन ने 2022 एशियन चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज को अपने नाम किया था। नंबर 13, भवीना हसमुख भाई पटेल पैरा टेबल टेनिस। ये एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिनका जन्म गुजरात के मेहसाना में हुआ था। इन्होंने 2020 में सिल्वर जीता था और अब 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल को अपने नाम कर लिया है। वैसे तो इनको पैराथलीट कहते हैं, लेकिन हमारे नजरों में सारे एथलीट्स ही हैं। हमारा मानना है इनको पैराथलीट कहना इनका अपमान करने जैसा है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 14, अमित पंघल इंडियन बॉक्सर। अमित पंघल एक बॉक्सर होने के साथ साथ ये एक इंडियन आर्मी ऑफिसर भी हैं। 2019 के आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। 2018 में गोल्ड मेडल भी जीता है और दोबारा 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अमित 52 किलोग्राम के क्राइटेरिया में कम्पीट करते हैं। अमित का जन्म 16 अक्टूबर 1995 में हुआ था। नंबर 15, नीतू घंघास इंडियन बॉक्सर। 45 से 48 किलोग्राम के क्राइटेरिया में गोल्ड मेडल जीतकर नीतू ने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है। नीतू ने एक तरफा मैच जीतकर सबको हैरान कर दिया है। नीतू 5-0 से जीती हैं। नीतू ने फाइनल में इंग्लैंड की बॉक्सर पे बहुत मुक्के बरसाए और फिर हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। नीतू मात्र 21 साल की हैं। नंबर 16, निखत जरीन बॉक्सिंग। निखत जरीन का जन्म 14 जून 1996 में हुआ था। ये निजामाबाद इंडिया की रहने वाली हैं। इन्होंने 2011 के अंटालिया में होने वाले चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इनका वेट 51 किलोग्राम है। इन्होंने बैंकॉक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज भी जीता था और अब 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। नंबर 17, एल्डोस पॉल मेंस ट्रिपल जंप। कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल जंप की कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले ये पहले इंडियन हैं। इन्होंने 17.03 मीटर की जंप करके गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है। एल्डोस पॉल केरला के रहने वाले हैं और ये मात्र 25 साल के हैं। इनका जन्म 7 नवंबर 1996 में हुआ था। नंबर 18, पीवी सिंधु
बैडमिंटन। 5 जुलाई 1995 की जन्मी पीवी सिंधु हैदराबाद की रहने वाली हैं। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कई सारे मेडल जीते हैं। इन्होंने 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी प्लेयर हैं जो बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियन बन पाई हैं, और ये दूसरी ऐसी इंडियन हैं जिन्होंने ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीता है। ये राइट हैंड से खेलती हैं। इनका वेट 65 किलोग्राम है और इनकी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है। इन्होंने अनगिनत सिल्वर, गोल्ड और ब्रोंज मेडल जीते हैं, और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने अपने मेडल्स की लिस्ट में एक और गोल्ड मेडल ऐड कर लिया है। नंबर 19, लक्ष्य सेन बैडमिंटन। 16 अगस्त 2001 में जन्मे लक्ष्य सेन मात्र 20 साल के हैं। इन्होंने वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 का खिताब भी हासिल किया है। 2018 के एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स और समर यूथ ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तब ये सिर्फ 16 साल के थे। इनकी हाइट 1.79 मीटर है। 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। नंबर 20, मेंस डबल बैडमिंटन। इस मैच को 2 लोगों की टीम ने मिलकर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जिताया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने इंग्लैंड के बेन लेन और शॉन वेंडी को हराकर जीत हासिल करी है। चिराग का जन्म 4 जुलाई 1997 को हुआ था। उनकी हाइट 1.86 मीटर है और उनका वेट 75 किलोग्राम है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का जन्म 13 अगस्त 2000 में हुआ था और उनकी हाइट 6 फीट है। नंबर 21, अचंता शरत कमल टेबल टेनिस। अचंता का जन्म 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने 10 बार नेशनल चैंपियनशिप जीती है। इन्होंने कमलेश मेहता का 8 बार नेशनल चैंपियन बनने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। अचंता की हाइट 6 फीट 1 इंच है। अचंता राइट हैंड से टेबल टेनिस खेलते हैं। नंबर 22, मिक्स्ड टीम टेबल टेनिस। अचंता शरत कमल और श्रीजा अकुला की इस जोड़ी ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवा दिया है। इन्होंने मलेशिया के जैवन चुंग और कैरन लाइन को हरा के भारी मात्रा में लोगों से सराहना प्राप्त की है। श्रीजा केवल 24 साल की हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इन्हें ट्वीट करके बधाई दी है। वीडियो देख के मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको हमारे और एथलीट्स जिन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया है, उनके लिए भी एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे हीरोज की कामयाबी के बारे में सबको बताएं।